या बोथ ऑफ यू स्टार्ट फ्रॉम हियर बोथ ऑफ यू स्टार्ट फ्रॉम हियर बोथ ऑफ यू झालं का ना बोथ ऑफ यू अभी किसी को कुछ सवाल पूछना हो फिल्म से संबंधित या ट्रेलर देखने के बाद या आपने कुछ गलती की हो बिना स्क्रिप्ट के कर रहे थे पता नहीं तो स्क्रिप्ट थी यार मुकम्मल पूरी स्क्रिप्ट थी यार फिल्म में तो पूरी थी 10 मिनट पहले मुझे कुछ पता ही नहीं बोलना क्या है सर आपसे मैं पूछ रही थी काफी प्रिपरेशंस की थी आप आगरा गई उस किरदार में ढली ये किरदार भी काफी डिफिकल्ट है और आपने कहा था कि ये मेरी आने वाला मतलब इससे भी ज्यादा डिफिकल्ट है इसके लिए क्या क्या तैयारियां आपने की सबसे पहले तो मैं क्योंकि उन्होंने टाइटल में ही आरा शहर का जिक्र था तो सबसे पहले तो मैं आरा गई क्योंकि मैंने कभी ऐसा कोई परफॉर्मेंस नहीं देखा था मैंने कभी मतलब मेरी कोई फेमिलियरिटी नहीं है इस दुनिया से और मुझे पता ही नहीं था ये मतलब ये क्या है ये क्या गाने होते हैं क्या परफॉर्मेंसेज होते हैं तो ऑफकोर्स अविनाश जी ने पहले मुझे बहुत सारे यूट्यूब लिंक्स भेजे जो मैंने देखे ट्रांसलेट करने पड़े मुझे और जैसे जैसे मुझे शब्द समझ में आ रहे थे वैसे मुझे लग रहा था कि अरे अरे किस चीज को हाँ कह दिया भाई मैंने बट मैं आरा गई और मैं मिली ऐसी महिलाओं से जो ये काम करती हैं मुन्नी ऑर्केस्ट्रा पार्टी है आरा में जिसका अविनाश जी को बहुत पता है इस दुनिया के बारे में इन्होंने ही बताया था उस जगह का पता वहां जाके उनसे मिली काफी उनके साथ टाइम स्पेंड किया और उसके बाद मैंने ऐसे शोज देखे आरा में तो नहीं देख पाई बट मथुरा के आसपास कोसी कलान ऐसे जगहों में मैंने जाके ऐसी लड़कियों के शोज देखे अपने पिताजी के साथ जो दक्षिण भारत से हैं जिन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था थैंक गॉड तो उनका ये भी कहना था गर्ल्स आर वेरी कॉन्फिडेंट बट नॉट वेरी रिफाइंड एंड आई वाज लाइक या दैट यू डोंट नो व्हाट दे आर सेइंग दैट्स व्हाई यू नो यू आर अप्रिशिएटिंग द कॉन्फिडेंस बट हां दैट वाज सम ऑफ द वर्क उसके अलावा तो बिकॉज बहुत बेहतरीन स्क्रिप्ट अविनाश जी ने लिखी थी तो उस पर काम किया बहुत और ऐसे विख्यात कलाकारों के बीच में हमने वर्कशॉप भी किया था विजय सर के साथ तो दैट वाज आल्सो वेरी हेल्पफुल डिक्शन को लेकर स्पीच को लेकर एक्सेंट को लेकर तो उसने भी बहुत मदद की अच्छा एक चीज मैं बता दूं जो विजय सर के साथ उन्होंने बोला हमने वर्कशॉप किया था तो ये हमारे सीनियर है ड्रामा स्कूल के और मेरे गुरु हैं मैं अभिनय सीखा इन्हीं के संरक्षण में मार्गदर्शन में काफी खटवाए भी हैं हमको था उसने 7 या 8 सेकंड के लिए तारा बानो फैजाबादी गाते हुए वो दिखती हैं उनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था मतलब बिल्कुल निर्भाव चेहरा तो मुझे लगा कि कोई एक लड़की इतना गंदा गाना गा सकती है लेकिन बिना किसी भाव के तो उसकी पूरी दुनिया में मेरी दिलचस्पी जो है वहां से पैदा होनी शुरू हुई और फिर मैं मतलब बहुत सारी उस तरह की गायिकाओं को फिर मैंने सुना फिर 2010-11 में एक इंसिडेंट हुआ था गया में हमारे यहाँ की एक सिंगर है देवी उसने जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ने उनके साथ कुछ बदतमीजी कर दी थी फंक्शन में और उसने स्टैंड ले लिया था तो वीसी को रिजाइन करना पड़ा था तो मुझे लगा इस कहानी को एक एक्सटेंशन मिला तो ये वजह थी और दूसरी बड़ी बात ये थी कि संदीप जी से उस समय दोस्ती हुई थी मेरी नई मनोज वाजपेयी जी ने मिलवाया था तो जब इन्होंने कहा कि आपके पास कोई कहानी है तो फिर मैं उस कहानी में और ज्यादा घुस गया जिसपे मैंने पिक्चर साइन करी थी आपके साथ घर चला दो
दुनिया में कोई अमरीश पूरी नहीं होता, जो ऐसा लगता है, जो वक्त है जो ऐसा करा देता है। शौकीन मिजाज आदमी है, हो गई चीज हो गई, तो ऐसा कोई अमरीश पूरी है ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल सी जिंदगी जी रहा वो इंसान है, हर कोई होता है ग्रे, हर एक कोई होता है, तो ये भी एक ग्रे है थोड़ा सा, जिसकी सजा उसको मिलती है। अमरीश पूरी वाला डायलॉग याद है यार। मेरा सवाल संदीप जी से आज है, जब डायरेक्टर साहब ने आपको फिल्म की कहानी सुनाई तो जी रवि कुमार, जब उन्होंने आपको कहानी सुनाई तो आपको क्या लगा कि फिल्म को प्रोड्यूस करना चाहिए, और आपके जहन में क्या आया कि किस तरह से ये स्टोरी जो है लोगों के बीच जनता को ये रिलेट कर पाएगी? अभिराज जी मेरे से मिले, जैसा कि इन्होंने कहा 2016-15 के बाद शुरू में, तो उन्होंने कहानी सुनाई, कहानी पे मुझे बहुत अच्छी लगी। उसका एक ही लाइन पे जो मेरे जो गाना था, जब मैं गा नहीं सकता, आज्ञा देंगे तो मैं गा दूंगा क्या, तो वो उन्होंने मुझे गाना सुनाया कि संदीप जी कहानी है गाने वाले की कहानी है, जो सिंगर है और स्टेज पे गाने गाती है बट जिंदगी अपनी मर्जी से जिएगी उसकी कहानी है, और वो इरोटिक गाने गाती है, तो इरोटिक वर्ड मेरे को बहुत अच्छे लगे। और जो उन्होंने गाना सुनाया वो आपको सुनाई देता हूँ। हरे हरे निम्बुआ कसम से गोल गोल, टनिक टोई के देखो राजा मनवा जाए टोल। मैंने कहा इज ब्रिलियंट, बट कहीं हम भोजपुरी फिल्म तो नहीं बना रहे हैं? कह रहे नहीं, इससे हिंदी वर्जन। तो वो जो गाना मैंने गया है ऑडियंस को, एक हार्टलैंड से और एक छोटी दुनिया से हर जगह की, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, तो आई थिंक आई शुड बैक अप दिस फिल्म, तो वहाँ से कहानी शुरू हुई। जैसे आपने कहा कि जब आपको जब आपने फिल्म पढ़ी थी तो आपको नहीं समझ में आए थे वो जो डबल मीनिंग वर्ड्स हम लोग आने हैं, बाद में आपको लगा कि सब समझती क्या? है ये ऐसे ही घुमा रही है कोई इनहिबिशन या किसी मोमेंट पे कभी कोई इनहिबिशन लगा उनको डिपिक्ट करते वक्त या वो उनको उसको निभाते वक्त, मतलब उन गानों को? नहीं, आई थिंक जब तक हम शूट पे आए थे तब तक तो चूंकि पूरी टीम साथ आ चुकी थी तो एक ट्रस्ट और एक फेथ तो था ही पूरी टीम में, बट एंड आई थिंक कि इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया था संदीप जी से भी और अविनाश जी से भी कि जो भी हम लोग टीम बनाएंगे कि यू नो कुछ ऐसे भी लोग हों उसमें जिनके साथ मैंने पहले काम किया हो। मैं बहुत लकी थी कि आई मीन ऑफकोर्स आई एम अ बिग फैन ऑफ संजय जी, बट आई डिडंट नो हिम पहले, बट पंकज जी का बहुत सपोर्ट रहा इस, कर लिया था हमने निर्भटे निर्भटे शूट कर चुके थे हम, एंड आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, रविंदर एक बहुत पुराने दोस्त है मेरे, समबडी आई ट्रस्ट वेरी डीपली, तो वो बहुत क्लोजली इन्वॉल्व थे स्क्रिप्ट लेवल से लेके फिर एसोसिएट डायरेक्टर के, रोहित सर के साथ मैंने काम किया है पहले जो म्यूजिक कर रहे हैं, रूपा जिन्होंने कॉस्ट्यूम्स करे, बिकॉज इस जैसा कि अविनाश जी ने बहुत सही कहा कि इस फिल्म में बहुत लोगों ने ऐड किया है, ऑफकोर्स अविनाश जी की स्टोरी और स्क्रिप्टिंग और विजन अविनाश जी का, डायरेक्शन उनका था, लेकिन आई थिंक ये पूरी दुनिया को जागृत करने में बहुत सारे लोगों का हाथ हुआ है, एंड जब तक शूट पे आए हम लोग तो आई थिंक सब एक दूसरे को जानते थे अच्छे से, तो एक फेथ था, हमने वर्कशॉप्स भी करे, उसमें भी हमने आई थिंक विजय सर ने काफ़ी इनहिबिशंस को लेकर एक्सरसाइजेस कराए, सो इट वॉज क्वाइट ऑलराइट। लेकिन थोड़ा सा आई थिंक संदीप जी से मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, सर वो जो एक्स्ट्रा जूनियर आर्टिस्ट लाए थे आप गानों के दौरान थाने, क्या वो अमरोहा जेल से आए थे क्या, जेब कतरे पॉकेट मार तड़ी पार, कौन थे वो लोग? क्योंकि हम लोग जब शूट कर रहे थे गाने तो वो इतने खुश हो रहे थे और इतने एक्साइट हो रहे थे कि आई डोंट नो संजय सर को याद है जहाँ पे जब आप उठ के आते हैं उसके जस्ट पहले ना दरोगा की लाठी एक आर्टिस्ट मेरे कमर पे रख देते तो वहां से ही ना इस टाइप की कमेंट आती है, हे चक्कू रख दूं मैं, मैन आई एम लाइक तू से पहले अपने मुंह पे पहले तो ये सब ही चल रहा था, सो आई थिंक दैट वाज, मुझे लगा कि अरे वाह एकदम यू नो हम हार्टलैंड में काफी ओरिजिनल वाला काम कर रहे हैं, सो लेकिन उसके अलावा आई थिंक दैट आई मीन देयर वाज अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम एवरीवन। सो द क्वेश्चन गोस टू यू, अराहा हार्टलैंड बिहार, यहाँ पर शूट करने में खासी दिक्कतें भी आ सकती हैं, स्पेशली जब आप यू नो इस किस्म के अवतार में हैं
और फिल्म की सिचुएशन जहाँ जहाँ हो, जहाँ जहाँ आपको ले जाए, लोकेशन आपको जहाँ जहाँ ले जाए, उस हिसाब से कभी कभी ऐसा भी होता है कि वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा उत्सुकता में आ जाते हैं, भावुकता के आवेश में आकर यू नो कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें कर देते हैं, बोल देते हैं जो कभी यू नो संवेदनशील होती हैं। तो ऐसा कोई मौका आप लोगों के साथ आया, या अगर आया तो उसे कैसे आपने डील किया उसके साथ? एक्चुअली ये सवाल संजय जी को जाना चाहिए, बिकॉज संजय जी को देखकर ज्यादा ही उत्सुक हो रहे थे ऑडियंस, और संजय जी के आई थिंक सारी फिल्में उन्होंने कुछ एक किरदार थे ना जो बाबू भाई हाँ उसके साथ बहुत खुश हुए थे। बट वी शॉट इन अमरोहा एक्चुअली, दिल्ली और अमरोहा में, एंड आई जस्ट वॉन्ट टू गिव क्यूडोस टू प्रोडक्शन एंड संदीप जी एंड हिज होल टीम, बिकॉज एक्चुअली बहुत क्राउड्स आते थे शूट पे ऑन अ डेली बेसिस, एंड दे हैड टू विद अ फेयरली लिमिटेड टीम you know manage those crowds, and despite that humne real locations mein shoot karna manage kiya hai. Kudos also to all the AD team, poet Jitu ne mujhe lagta hai matlab haatha pai par hi Jitu ji ka hal crowd manage karte karte ho jata tha, Ravinder also, all the other ADs, and kudos also to Arvind sir, Swara ne bhi crowd control kiya, Arvind sir, but Sanjay ji should answer the question about crowd ki excitement. वेस्टर्न यूपी बहुत कूल है शूटिंग के मामले में, ये मैं पहले बहुत डरता था बिकॉज ऑफ लैंग्वेज या सब कुछ, बहुत ही कूल है, बहुत आराम के लोग होते हैं यार, थोड़ा एक्साइटमेंट तो होता है यार, स्वरा भास्कर साहब के स्टेज पे है तो, लेकिन वो एक्साइटमेंट उछाल देता था, छुरी रखते मतलब मजेदार था यार, और हमें अच्छे रिएक्शन मिले शूटिंग में ऐसे क्राउड के, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक अच्छा क्राउड अगर इस तरह का मिले तो एक्टर भी रिस्पॉन्स अच्छा करते हैं, आपकी तरह क्राउड में घंटा कुछ नहीं करता अच्छा रिस्पॉन्स करता है, क्राउड कुछ कर रहा है तो हम भी कुछ करते हैं, और शायद उसने बहुत अच्छा, पंकज और स्वरा, मैं तो स्टेज पे ज्यादा हूँ नहीं, तो अच्छा रिस्पॉन्स दिखा और अच्छा कुछ किया क्यों पंकज, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बोल ही दिया आज, अरे सही बोल रहे हैं, बड़ा अद्भुत माहौल था, वो भी मजे ले रहे थे, खूब चिल्ला रहे थे, आनंद ले रहे थे, जब ऑडियंस आनंद लेती है तो परफॉर्मर को भी आनंद आता है, चाहे स्टेज हो या शूटिंग हो, ब्रेक में सुना था अरे खाले सारे हीरोइन भी यही खा रही है, ये भी चटनी होगी, अरे मेरे का कैसी बात खाले हीरोइन खाने पीने पे भी ना ये खा रहे हैं खाना, अच्छा पंकज जी अगला सवाल आपसे कि ऐसी जरूरत पड़ी आपको कि अंदर की औरत को बाहर निकालना पड़ा हो? अरे मैं तो बाहर जो औरत है उसको अंदर छुपा कर रखता हूँ, ज्यादा बाहर निकल जाती है, नहीं बड़े इतने स्टेज परफॉर्मेंस वाले सीन है आपके, जी जी, तो कैसे निकाला आपने वो अपनी? मैं थोड़ा सा पंकज बोलेंगे, हम लोग साथ में थिएटर करते थे, तो मैंने एक नाटक इनका देखा था भूकर के सुधरना, पटना में इन्होंने किया था, उसमें एक गाना इन्होंने एक गजल गाया था, मैं चाहूंगा कि वो गजल आप गुनगुनाए, क्योंकि उसी समय मुझे लगा कि ये आदमी जो है ना, ये एक्टर जो है यहाँ है और बॉलीवुड में अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है, तो वो चीज मुझे लानी थी मतलब फिल्म में इनके जरिए, तो इनमें बीच जो है ना बहुत पुराना है, एक बार आपको सुनाइए जरा सा, नहीं है वो सुनाने का, इनको बहुत प्रभावित हो गए, आप लोग नहीं होंगे नहीं आप देखिए वो जगजीत सिंह की गाई हुई गजल है साहब, जगजीत और नहीं प्रभावित हो गए, गजल थी तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तो उसको मैंने एक प्ले में उसको बिहार की का एक फोक फॉर्म है लौंडा डांस, जहां आदमी औरत बन के नाचते हैं, तो मैं उस गजल को जो अस्थाई भाव से गाई जाती है उसको मैं चौगुन में ला दिया था, चौगुन पावनी समझेंगे संगीत वाले लोग कि हम, तो वैसा कुछ था, तो वो ऐसी खास बात नहीं, सुनाई दीजिए लौंडा नाच तो आप वासेपुर से जानते हैं, हाँ निवासपुर में किया नहीं था उसमें, तुम खूंखार बने थे अरे नहीं अभी मेरे नहीं है वो, सुना देंगे इस फिल्म की से बात करते हैं ना, तो वही था मेरे लिए बड़ा एक अच्छा मौका था कि मुझे बतौर एक्टर अभी तक
बाकी फिल्मों में लोग मुझे गुंडा बनते देखे हैं, अनिल भट्टे में मास्टर बनते देखे हैं, मैं नाच सकता हूँ, मेरे अंदर वो जो आपने फेमिनाइन क्वालिटी की बात की वो है, एक लौंडापना है, तो ये मौका था मुझे इस फिल्म में दिखाने का, वो आपको फिल्म देखेंगे तो दिखेगी। और हमारे साथ साथ और हमारे पास कुछ 20 ऐसे एक्टर थे जो बिहार से हैं, जो पटना से आरा से आए थे, जो अभी मौजूद नहीं है, और सबने बहुत बढ़िया काम किया है। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अमरोहा से हैं, जिन्होंने कुछ अच्छे अच्छे रोल्स किए हैं। एक टीम वर्क था और आनंद आया। सर, वहाँ की जो अनारकलियाँ होती हैं, लोग मुझे खाते पीते घर की पसंद करते हैं जैसे कहा जाता है उस तरफ, तो क्या आपको मशक्कत करनी पड़ी, आपको वेट वगैरह पुट ऑन करना पड़ा? या मैंने नीलबटे में इतना वेट पुट ऑन कर लिया था कि वो चल रहा था, वो माइक माइक अनारकली तक वो वही वेट चलता जा रहा था, बट हां, आई वाज वेरी रिलीव्ड टू नो कि मुझे डाइटिंग नहीं करनी पड़ेगी इस फिल्म के लिए, तो ये एक अच्छी चीज थी। लेकिन ये भी अंदेशा नहीं हुआ था कि ऐसे घाघरा चोली पहन के इतनी ठंड में नाचना भी पड़ेगा, उसके लिए भी प्रिपरेशन नहीं थी, क्योंकि हमने ये जो सारे सॉन्ग के सीक्वेंसेस करे ये हमने जाड़ा एंड हाउ जाड़ा, आई थिंक 20 दिसंबर 10 से 20 दिसंबर के बीच में हमने शूट किए हैं वो, अमिक्स्ड फॉग एंड लाइक इट वाज लाइक नट्स। कई बार ऐसा होता था कि 3 बजे रात को गाने में, क्योंकि नाइट में एक सॉन्ग था, तो फॉग आ जाए, डीओपी बोले मैं नहीं करूंगा, तो हम बैठते थे कि एक आधे घंटे में हट जाए तो फिर चालू करें, ऐसी भी नौबत आई। अविनाश सर, जो अनारकली के मतलब आने वाले लोग, तो वो उनकी मेंटालिटी फ्यूडल होती है, तो उस मेंटालिटी को भी आपने इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है फिल्म में? नहीं, मतलब ये बहुत लंबे विमर्श का मामला है, जब हम लोग बात करेंगे तो उस ऑडियंस का पूरा सामाजिक आर्थिक हील हवाल हम लोग निकालेंगे, लेकिन एक कल्चर है हमारी तरफ, जैसे एंटरटेनमेंट एक कल्चर है, आप सिनेमा देखते हो, एंजॉय करते हो, उसी तरह ये सारी चीज़ें उस दौर की है जब सिनेमा नहीं था, जब टेलीविज़न नहीं था। अब उस समय बहुत दूसरे के ठुमरी दादरा के दौर में सारी चल रही थी, बाद में टेलीविज़न और सिनेमा पॉपुलर होने के बाद वो बिल्कुल फिल्मी माहौल वहाँ भी हो गया, लेकिन आप 400 रुपए का टिकट देकर के सिनेमा देख पाते हो, पर आरा बिहार या इस तरह की बहुत सारी जगहों पे आप मुफ्त में जाकर के इस तरह के का मनोरंजन कर सकते हो। तो हमको ये कहना बहुत ही गलत लगता है कि वो सारे ऑडियंस जो है वो फ्यूडल मेंटेलिटी वाले लोग हैं, है ना, क्योंकि ऑडियंस की अपनी एक अपना एक अधिकार है अपनी सारी चीजें। स्वरा, यू नो, सो बेसिकली लास्ट ईयर देयर वर 216 रिलीज, जिसमें से 203 मूवीज नहीं चली, एंड द बिगेस्ट रीजन वाज बिकॉज़ ऑफ द रीचर टू द इंटीरियर्स ऑफ इंडिया, दिस बीइंग अ मसाला फिल्म एंड दैट फॉर अ हार्टलैंड फिल्म एंड योर लास्ट फिल्म बीइंग अ सरप्राइज हिट, डू यू थिंक दिस विल एक्चुअली ब्रिंग इन अ बेस ऑफ ऑडियंस फ्रॉम दोस इंटीरियर रीजंस? वेल, आई होप सो। आई थिंक दैट दिस इज अ फिल्म दैट एक्चुअली इट एक्चुअली हैज एन अपील अक्रॉस सेक्शंस। Of course, the most obvious appeal of a film like this, you would think, is the heartland and the Hindi Pradesh. And if you speak in trade terms, then the B centers. But this is also a very exciting world that would create a lot of curiosity amongst an audience like yourself, amongst the multiplex audience, amongst an educated audience, amongst an audience that is increasingly becoming very aware and interested in stories that are not familiar to their world, and in stories of women. I think that is also a trend that the Hindi film industry is seeing. So I think that actually this film has a very universal appeal, and I'm sure that Sandeep ji and his distribution team is quite aware of that in terms of where all they choose to release a film. But I will say that that the y'all as media and also the social media has done a lot of good for small films like this, because it has given us a platform of creating awareness and a buzz without having to invest. You know, we can't compete in terms of marketing budgets with the big fish of the industry, and that's a fact, and I don't think that's anything to be ashamed of. But the social media space and a certain kind of innovative marketing gives you the opportunity to be able to reach out to like a cross section of people. So yeah, and I've actually had heard responses from like very elite kind of people, and from like, you know, jo security guard bhaiya who've seen the film, and everyone is like, "Haan, bahut hi film hai, are super hit hai, hamare yahan ki hai." So it's, yeah, it does have a cross section appeal. Thank you. Do we have any more questions? No, thank you. Yeah, ek sawal, Swara,
मतलब जो काम सिल्क स्मिता ने डर्टी पिक्चर के लिए किया वो काम और उतना ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर ये आपको लगता है अनारकली है इस फिल्म की? डेफिनेटली आई थिंक दैट अनारकली एंड मुझे ऑन रिकॉर्ड मैं अविनाश जी को मैं पहले भी बोल चुकी हूँ लेकिन ऑन रिकॉर्ड मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी क्योंकि बहुत खुशकिस्मती की बात होती है और बहुत रेयर बात होती है किसी भी आर्टिस्ट के करियर में कि ऐसा एक किरदार मिल जाए जो इतना जिसमें इतना कुछ है और जो इतनी अपॉर्चुनिटी दे एक एक्टर को. मेरा मानना है कि अनारकली ऑफकोर्स मेरे अब तक के छोटे से करियर की सबसे मुश्किल फिल्म रही मेरे लिए एज अ कैरेक्टर. बट ऑल्सो मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि मुझे लगता है कि हमारे दौर की अमंगस्ट द ब्रेवेस्ट फिल्म है अनारकली. मोस्ट इंटरेस्टिंग एंटरटेनिंग एक एंटरटेनिंग तरीके से एक बहुत ही ब्रेव कहानी ये कहती है क्योंकि लाइक सिल्क स्मिता's केस अनारकली इज नॉट अ बेचारी नहीं है एक सिंपथेटिक कैरेक्टर नहीं मतलब उसके साथ सिंपथाइज करना उतना आसान नहीं है. वो कई ऐसे मौके आएंगे फिल्म में जहाँ वो आपको आपको लगेगा कि यार ये तो मतलब हद ही है यू नो स्पेशली. तो वो मुझे लगता है अविनाश जी उन्होंने मतलब उनकी पहली फिल्म लिखी है उन्होंने आई मीन आई थिंक रियली कंग्रेचुलेशन टू हिम टू हैव अनलॉक्ड सच अ वर्ल्ड एंड सच अ कैरेक्टर. Yeah, both of you start from here. Yeah, both of you start from here. Both of you here. Wait. Dalaga. Yeah, both of you.